सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मनोज दे की तरह कुछ इस टाइप का थंबनेल बनाने वाले हैं। एंड इससे पहले भी मैंने मनोज दे के थंबनेल के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, तो आप लोग वो भी वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे आ जाने के बाद आपके सामने डिफॉल्ट या न्यू टेक्स्ट जो भी लिखा होगा उसको सिलेक्ट करना है। देन आप लोग को डिलीट वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आना है, देन इमेज साइज पे टैप करना है, कस्टम पे टैप करना है, यूट्यूब चैनल बैनर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से ओके कर देंगे। देन आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आना है, देन यहाँ से इंपोर्ट पे टैप करके एंड आप लोग को थंबनेल ले लेना है, जिस थंबनेल पे अभी मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। देन ये थंबनेल ले लेने के बाद आप लोग को वापस से इस वाले ऑप्शन पे आना है, देन कलर पे आना है एंड यहाँ से आप लोग को ग्रेडियंट चूज़ करना है एंड प्लस के आइकन पे टैप करना है। एंड यहाँ से आप लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कुछ इस टाइप से आप लोग को बना लेना है। एंड यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन मिलता है इस पर आप लोग को टैप करना है, कलर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। देन आप लोग को यहाँ पर टैप करना है एंड यहाँ से थंबनेल चूज़ करना है एंड यहाँ से ड्रैग करके आप लोग को पहले डार्क कलर लेना है एंड यहाँ से डन करेंगे एंड यहाँ से ओके करेंगे। देन सेकंड वाले के साथ भी हम लोग को कुछ ऐसा ही करना है, बट इसमें लाइट कलर लेना है। तो कलर वाले ऑप्शन पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, थंबनेल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से हम लोग लाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से डन करेंगे एंड यहाँ से ओके करेंगे एंड यहाँ से भी ओके करेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का हम लोग का बन जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिर से इस वाले ऑप्शन पर आना है, देन आप लोग को यहाँ से कुछ PNGs लेनी है। तो सभी PNGs आप लोग को डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग को जितने भी PNGs की ज़रूरत पड़ेंगे सारी PNGs मैंने ले ली हैं। देन आप लोग को लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इन सब को हाइड कर देना है। एंड सबसे पहले आप लोग को इस वाले PNG को लेना है एंड इसको मैं अनहाइड करूँगा एंड इसको कुछ स्टेप से आप लोग को टेढ़ा करके यहाँ पर लगाना है एंड इसको मैं अगेन कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पर कुछ स्टेप से लगा दूँगा। देन उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ सेप पर जाना है एंड यहाँ से ग्रेडियंट कलर चूज़ करना है एंड प्लस के आइकन पे टैप करना है एंड ये जो हमारा फर्स्ट वाला रहेगा इसको आप लोग को पूरा फुल ब्लैक कर देना है एंड यहाँ जो सेकंड वाला रहेगा इसको आप लोग को पूरा ट्रांसपेरेंट कर देना है। एंड हम लोग को यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से ओके करेंगे। तो ये हमारा एक शेडो बन जाएगा। देन इसको मैं कुछ इस टाइप से रखूँगा एंड इसको मैं बड़ा कर लूँगा कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पर लगा दूँगा एंड इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देन लेयर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा एंड इसको मैं लॉक कर दूंगा एंड उसके बाद मैं इस वाले PNG को अनहाइड करूंगा एंड इस PNG को भी हम लोग कुछ एडजस्ट कर लेंगे कुछ स्टेप से। देन हम लोग को ये वाला PNG अनहाइड करना है, तो ये PNG भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसको मैं कुछ स्टेप से बड़ा कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं लेयर पर जाता हूँ एंड इसको लॉक कर देता हूँ। देन हम लोग का ये जो लोगो है इसको मैं अनहाइड करूंगा एंड इसको मैं कुछ स्टेप से यहाँ पर लेके आऊँगा। एंड यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है कलर फिल्टर का, इस पर टैप करना है एंड सेचुरेशन को बढ़ा देना है। देन आप लोग को इनर शेडो पे जाना है एंड इसको इनेबल करना है एंड यहाँ से मैं वाइट कलर ले लेता हूँ एंड ऑफसेट एक्स के साथ आप लोग कुछ छेड़खानी कर सकते हैं जिससे ये इफेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। देन यहाँ से डन करूँगा एंड इसको मैं कुछ स्टेप्स लगा लूँगा एंड यहाँ से टू बैक कर दूँगा तो ये पीछे चले जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर 3-4 PNGs आप लगा सकते हैं। देन यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर फिर से मैं जाता हूँ एंड हम लोग का एक और PNG है उसको मैं अनहाइड करता हूँ। देन इस PNG में वाइट कलर का पीछे में बैकग्राउंड आ रहा है तो इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है इरेज कलर का, इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद अगर ये वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता है तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है एंड यहाँ से ड्रैग करके आप लोग को वाइट कलर सेलेक्ट करना है। तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका था। देन यहाँ से मैं डन नहीं करूँगा तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ एंड यहाँ से टॉलरेंस का जो ऑप्शन मिलता है इसको पूरा मैं फुल कर दूंगा। देन यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा एंड यहाँ पर आप लोग को एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको इनेबल कर देना है एंड यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से डन करेंगे एंड इसको कुछ इस टाइप से मैं एडजस्ट कर लूँगा बड़ा करने के बाद एंड इसका जो ऑपेसिटी है मैं हल्का सा कम कर दूँगा कुछ इस टाइप से एंड इसको मैं टू बैक कर दूँगा। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान से करिएगा तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे तब। देन यहाँ पे मैं एक PNG लेना भूल गया था तो वो इम्पोर्ट पे टैप करके मैं PNG ले लेता हूँ। तो ये वाला PNG ले लेने के बाद मैं इसको कुछ बड़ा कर दूंगा कुछ इस टाइप से, देन यहाँ पे लगा दूंगा एंड इसका जो कलर है मैं वाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कलर इनेबल करके इसका कलर वाइट कर देता हूँ। देन इसको मैं टू बैक कर दूंगा। देन यहाँ पे आप लोग इमेजेस लगाएंगे तो ये फुलफिल हो जाएगा जो कि आप लोग को खाली खाली लग रहा है। देन लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इन सबको लॉक कर दीजिएगा ताकि अपने पोजीशन से हिले ना। उसके बाद आप लोग अपना PNG यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे मैं मनोज दे का ही PNG ले लेता हूँ इंपोर्ट के ऑप्शन पे टैप करके। तो यहाँ पे जैसे मैंने मनोज दे का PNG ले लिया तो इसको मैं बड़ा कर लूँगा कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। देन आप लोग का जो PNG रहेगा वो ये वाइट बॉर्डर के ऊपर रहना चाहिए। देन मैं लेयर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा एंड इसको लॉक कर दूंगा। तो ये कुछ स्टेप से आप लोग का थंबनेल हाफ बन चुका है। उसके बाद आप लोग को ए वाले ऑप्शन पे जाना है, देन यहाँ पे टेक्स्ट पे टैप करना है एंड न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सब्सक्राइब लिख लेता हूँ, वैसे हर थंबनेल में अभी मैं सब्सक्राइब ही लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हो।
तो यार सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद हम लोग इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। तो फॉन्ट अगर आप लोग को डाउनलोड करना नहीं आता मनोज दे के थंबनेल जैसा, तो अभी आई कार्ड पे आप लोग को एक वीडियो नज़र आ रही होगी, तो वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ ए बी वाले ऑप्शन पे जाके हम लोग इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉपिंस बोल्ड फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, देन इसको मैं डन करूँगा एंड इसको मैं कुछ स्टेप्स एडजस्ट कर लूँगा। देन अगर इसका मैं कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं सिंपली इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला कलर दे रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी टाइप से आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। देन आपका जब थंबनेल बन जाए तो यहाँ से मैं सेव वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, सेव एज इमेज करूँगा एंड कस्टम पे टाइप करके अल्ट्रा करूँगा एंड सेव टू गैलरी कर लूँगा, तो ये हमारा थंबनेल सेव हो जाएगा।